नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सुपल, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा चुनाव का इंतजार आज में खत्म हुआ। चीफ इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ ही देर पहले आयोजित की, उसमें उन्होंने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। महाराष्ट्र और झारखंड, ये दोनों ही राज्य के चुनाव की घोषणा हुई है और साथ ही साथ कुछ राज्यों की विधानसभा के उपचुनाव व लोकसभा की कुछ खाली हुई सीटों के उपचुनाव की भी घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की, उसमें सबसे पहले बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की 288 सीट पर एक ही चरण में मतदान होगा। मतदान की तारीख जैसे मैंने अभी बताया 20 नवंबर है। अब बात करें पूरे शेड्यूल की, तो आज 15 नवंबर, आज से 7 दिन बाद 22/10/2024 को गैजेट नोटिफिकेशन जारी होगा इलेक्शन का। उसके बाद 29/10 को लास्ट डेट है जब तक नॉमिनेशन प्रत्याशी अपना नामांकन भर सकेंगे। 30 तारीख को सभी भरे गए नामांकन की छंटनी होगी और फिर 30 तारीख के बाद 4 नवंबर तक, बीच में 2 दिन दिवाली है और छुट्टियां है, तो 4/11 को किसी भी नामांकन को वापस लेना होगा, उसका प्रोसीजर हो पाएगा। 4 नवंबर के बाद में आखिरी कितने कैंडिडेट रहते हैं वो डिक्लेयर होगा और उनको जो पार्टी के हैं उनको पार्टी का चिन्ह मिल जाएगा, जो निर्दलीय या दूसरे रहेंगे उनको चिन्ह आवंटित किए जाएंगे 4 तारीख को। उसके बाद 4 तारीख से 20 तारीख को चुनाव है, यानी कि 4 से 18, 14 दिन का समय मिलेगा इन प्रत्याशियों को अपना चुनाव प्रचार करने का। और उसके बाद 20 को वोटिंग होनी है, 20 को वोटिंग होगी, फिर 20 को बुधवार को वोटिंग होगी। उसके बाद बीच में 2 दिन 21-22 निकलेंगे और 23 को मतगणना होगी, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और इस पूरे प्रक्रिया में 25 नवंबर तक सभी कुछ फाइनल डिक्लेरेशन किया कर दिया जाएगा। और आज अभी तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो चुकी है, वो आचार संहिता 25 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। ये हमने बात की महाराष्ट्र की। अब जरा झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का चुनाव होगा झारखंड में, उसकी 18 तारीख को, आज से 3 दिन बाद में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 25/10 को उसका नॉमिनेशन होगा, लास्ट डेट है 25/10 का नॉमिनेशन का। 28/10 छटनी है, 30/10 उसका विड्रॉल है और उसके बाद में 13 नवंबर को फर्स्ट चरण का वोटिंग होना है। बाद में बात करें सेकंड फेज की, तो जैसा महाराष्ट्र में 22 तारीख को नोटिफिकेशन होना है सेकंड फेज का, इसका भी 22 को होगा। 29 को नामांकन के आखिरी दिन है, 30 को छटनी, 1 नवंबर को इसमें डेट विड्रॉल का डेट 1 तारीख दिया है महाराष्ट्र को, 4 तारीख है, और 20 तारीख को वोटिंग है और दोनों ही चरणों का एक साथ में 23 को मतगणना है। तो ये पूरा शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने आज जारी किया है। पिछले लंबे समय से लोगों को चुनाव तारीखों के ऐलान का इंतजार था और अब लोग ये उम्मीद करते हैं कि फिर से ये चुनाव संपन्न हो गए, इसमें लोग बढ़ चढ़कर वोट करेंगे और उसके बाद एक एस्टेब्लिश सरकार फिर से गठित होगी। तो ये चुनाव की बड़ी अपडेट हमने आपको दी। अब आने वाले दिनों में हम आपसे बने रहेंगे, चुनावी माहौल के बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।